रेडियो का बच्चन बच्चन रेडियो का बच्चन प्रेजेंटिंग रेडियो का बच्चन पीयू वेल दैट्स राइट, मैं पीयूष हूँ, मुझे रेडियो का बच्चन कहते हैं। और कोरोना से इस लड़ाई में हम सब अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर मेरे साथ हैं, हेल्थ इंस फाउंडर मिस्टर दीपक सहनी। हाय दीपक। हाय पीयूष, हाउ आर यू? आई एम गुड। तो मिस्टर सहनी, चाइना में ड्राइव थ्रू टेस्ट से काफी हेल्प कोरोना को कंट्रोल करने में मिली, तो हमें ये बताइए कि ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट इंडिया में कितना जरूरी है और क्या इससे पूरे देश में शुरू होना चाहिए? आई थिंक जहाँ जहाँ पर भी नंबर ऑफ पेशेंट ज्यादा हैं और कलेक्शन कम हो रही है, वहाँ ऑब्वियसली शुरू होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, ड्राइव थ्रू टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे साइड पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो इस ड्राइव थ्रू कलेक्शन के अंदर सबसे सेफ रहते हैं, क्योंकि उनका इंट्रैक्शन पेशेंट्स के साथ बहुत कम रहता है। इस केस में वो लोग हॉस्पिटल में पेशेंट के सामने होते हैं या उनके घर में जाके सैंपल कलेक्शन करते हैं। दोनों ही केसेस में उस एनवायरमेंट का, उस एयर का जितना भी एक्सपोजर इन लोगों को मिलता है, उससे कम और काफी कम एक्सपोजर इन लोगों को ड्राइव थ्रू सेंटर्स पे होता है। सेकेंडली, हर एक कलेक्शन को घर पे जाके करने से या हॉस्पिटल में करने से नंबर ऑफ कलेक्शंस काफी कम होती है। ड्राइव थ्रू में एक आदमी गाड़ी लेकर आता है और 8 से 10 मिनट में अपना सैंपल कलेक्ट करके निकल जाता है, और उससे काफी ज्यादा से ज्यादा कलेक्शंस हो सकती है। तो जहां जहां पर भी हम देखें कि हॉटस्पॉट बन रहे हैं या कलेक्शंस की वजह से या कम लोगों के आने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, वहां पे ये ड्राइव थ्रू रियली सक्सेसफुल है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने इसमें नोट किया है, ये एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हम घरों पे जा रहे हैं तो एक लोग अपने घरों में पीपीई सूट पहने हुए बंदों को आने नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट की देयर नेबर्स नो इट, और उससे काफी एक सोशल स्टिग्मा बन रहा है। तो आज की डेट में अगर आप ड्राइव थ्रू पे निकलते हैं और अपना सैंपल टेस्ट करा के आते हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहती है कि मेरे आस पड़ोस वाले मुझे किसी शक की निगाह से नहीं देखते। अच्छा दीपक, आपने बताया कि इट्स वेरी सक्सेसफुल दीज ड्राइव थ्रू टेस्ट, बट इसका सक्सेस रेशियो क्या है? देखिए, इसका सक्सेस रेशियो आप धीरे धीरे करके बनेगा, क्योंकि अभी तक इंडिया में लोगों को ड्राइव थ्रू का मतलब नहीं पता, और सेकेंडली अब जो हमने खोले हैं ड्राइव थ्रू, इसका धीरे धीरे लोगों को पीआर के थ्रू, बाकी इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस के थ्रू पता चलेगा, आपके माध्यम से पता चलेगा। और उसके बाद जो लोग हैं जिनके पास जो टेस्ट कराना चाहते हैं, अगर उनके पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है या नहीं है और वो लेना चाहते हैं, और अपनी उनको सिर्फ एक अपना व्हीकल नंबर देना है, अपना आईडी देना है और एक डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देना है, और उनको एक कंफर्म बुकिंग स्लॉट मिलेगा और वो गाड़ी लेकर अपना आ सकते हैं और अपना सैंपल देकर जा सकते हैं, उनकी रिपोर्ट 24 आवर्स में आ जाएगी। और जब से ये ऑन हुआ है, अभी करीबन हमें 100 से ज्यादा इंक्वायरीज हर रोज आ रही हैं, और लोग डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं कि उनको क्या क्या चीजें चाहिए, और हम और भी प्रोसेस को सिंपल करने जा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी हो तो भी आपको डॉक्टर से, किसी वैलिड डॉक्टर से आपको फोन पे बात करवा के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा के आपको प्रिस्क्रिप्शन दिलाया जा सके अगर आपको सिम्टम है तो। अरे वाह, क्या बात है। तो हेल्थियंस ने कोविड-19 हेल्पलाइन स्टार्ट कर दी है, इससे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं इसको फाइट करने में, और ऐसे कौन से तरीके हैं कि हेल्थियंस उनकी हेल्प कर सकेगा? देखिए, हमने 3 तरीके के सैंपल कलेक्शन प्रोसेसेस निकाले हैं, और अभी ये कुछ सिटीज में ऑन हो चुका है और हम धीरे से इसको सारे सिटीज में ऑन करने वाले हैं। तो पहला तो कि अगर आपको कोई भी डाउट है अपने दिमाग में, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या चैटबॉट पे जा सकते हैं और अपने सिम्टम्स बता सकते हैं। तो एटलीस्ट हम आपको इस गाइड में गाइडेंस दे सकते हैं कि आप पैनिक ना करें, आप जिन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं वो कोविड के सिम्टम्स नहीं होते हैं, आपको थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, या ऐसा सिम्टम जो आपके पास आ चुका है पर आप घर पे बैठे, तो आपको बोलेंगे आपकी, जब तक आप टेस्ट नहीं करा लेते, आप अभी से ही आइसोलेशन में चले जाएं, अपने घर में एक छोटा सा आइसोलेशन करके अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से ना मिले अगर आपको डाउट है, तो एक तो इस तरीके की हेल्प आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको टेस्टिंग का प्रोसेस पता चल जाता है, और टेस्टिंग के बाद का भी क्या प्रोसेस रहता है वो भी आपको हेल्पलाइन के थ्रू पता चल जाता है। और इसमें कलेक्शंस के लिए हम जो लोग बुजुर्ग हैं या जो घर से नहीं निकल सकते, उनके लिए एट होम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं, उनके घर जाके कर रहे हैं, ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। ड्राइव थ्रू सेंटर्स की फैसिलिटीज अवेलेबल है, और हमने कुछ स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल भी बनाए हैं कम्युनिटी के लिए। तो जैसे कि कहीं किसी अपार्टमेंट में अगर 5-7 लोगों का इकट्ठे करना है, तो हम एक अपना व्हीकल वहां भेज सकते हैं और लोग एक एक करके व्हीकल में आके टेस्ट करवा सकते हैं। अरे क्या बात। अच्छा, ये हेल्थिंस कोरोना की टेस्ट फैसिलिटी घर तक कब पहुंचाने वाला है? देखिए, ऑलरेडी अवेलेबल है दिल्ली, NCR, मुंबई और ऐसे 3-4 शहरों में, जिसमें बैंगलोर और पुणे भी इंक्लूडेड है।
जहाँ पे आप अगर आप हेल्पलाइन पे बुक करें और घर पे आगे सैंपल कलेक्शन की बात करें तो हम ऑलरेडी सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते में काफी सैंपल कलेक्शन घर से करी है और उसके लिए नया प्रोटोकॉल बनाया है और उस प्रोटोकॉल के तहत हम घर के अंदर घर के अंदर नहीं जाते पर घर की चौखट से ही सैंपल कलेक्ट करके लेकर आते हैं ताकि हमारे बंदे सिक्योर रहें और हम आपको एट डोरस्टेप सर्विस। वाओ दैट्स ग्रेट। अच्छा फाइनली ये सारी फैसिलिटीज आप प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन साथ में हमारे लिसनर्स को मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? देखिए लिसनर्स को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप पहले ये काफी सारे लोग इस टाइम पे ये समझ रहे हैं कि ये 20 डेज का लॉकडाउन और एक्सटेंड हो गया है और ये बहुत बुरा है और ये इकोनॉमी के लिए बुरा है। उनको ये समझने की जरूरत है जो हमने लास्ट एक लॉकडाउन किया है लॉकडाउन वन उससे काफी बेनिफिट हम लोगों को मिले हैं और शायद हम वो देश बन सकते हैं जो सबसे ज्यादा जल्दी इससे रिकवर करे और राधर बैन की हम 4-5 दिन का या 1 हफ्ते की छूट देते और उसके बाद फिर से एक लंबा लॉकडाउन चलाते हमने इंफेक्शन करके कुछ जगहों पे कंट्रोल करके और थोड़ा और स्ट्रिंजेंट होके इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो इसलिए आई थिंक अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो हम लोग बहुत सारी चीजों के लिए क्रिप करते थे जो आज हमारे सामने है। हम लोग लाइफ फैमिली लाइफ बैलेंस वर्क बैलेंस की बात करते हैं। हम लोग घर पे रहने की वीकेंड स्ट्रेसफुल लाइफ खाना पीना और एक्सरसाइजिंग का टाइम ना होना ये सब कंप्लेंट पिछले 6 महीनों में या पिछले 2 सालों में हम करते आ रहे हैं क्योंकि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। तो आई थिंक दिस इज अ टाइम टू बैलेंस योर लाइफ आउट मेक न्यू शेड्यूल्स मेक न्यू थिंग्स एंड एट द एंड ऑफ द टनल मैं जैसे ही हम इस अंधेरे से बाहर निकलेंगे रोशनी काफी अच्छी है और उसका हम सबको इंतजार करना चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए और इस टाइम अच्छी हैबिट्स अडॉप्ट कीजिए आपके जितने हॉबीज बचे थे उसको कंप्लीट कीजिए अपनी एजुकेशन लेवल बढ़ाइए अच्छी बुक्स पढ़िए और गवर्नमेंट का साथ दीजिए घर के अंदर रहिए क्योंकि आप घर के अंदर ही सेफ हैं। ग्रेट थैंक यू सो मच दीपक फॉर योर टाइम एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड मेक अस सेफ। थैंक यू पीयूष थैंक यू बाय फॉर हैविंग मी हियर थैंक यू बाय बाय।